क्या नाम हुआ तुम्हारा? स्तुति श्री। तो ये वैक्सीन लेने आए हो? यस। क्यों? मैं वैक्सीन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो जिसमें सरकार ने कहा है कि 12 साल के ऊपर के जो बच्चे जिनकी उम्र हो गई है वो वैक्सीन ले ले। वैक्सीन लेने से हमें कोविड से बचाव की सुरक्षा मिल सकती है, तो इसलिए मैं वैक्सीन लेने आई हूँ। मेरी उम्र 12 साल से ऊपर है, इसलिए मैं वैक्सीन लेने आई हूँ। तुम्हारा क्या नाम हुआ बाबू? वैक्सीन लेने आई हो? क्यों? वैक्सीन से हम कोरोना से बच, सरकार के निर्देश के अनुसार 12 साल से ऊपर के बच्चे अब वैक्सीन ले सकते हैं। अच्छा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ वैक्सीन। डिजिटल न्यूज 20 से मैं अरुण कुमार शाही, चीफ रिपोर्टर, स्मृति जी हैं पीएसएम विभाग में, कि अभी जो वैक्सीन पड़ रहा है क्या है इसका तौर तरीका और किन किन बच्चों को पड़ रहा है, क्या उम्र से शुरू हो रहा है, इसके संबंध में जानकारी। नमस्ते, मैं डॉक्टर स्मृति पीएसएम विभाग में कार्यरत हूँ यहाँ, और यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है, जो मतलब कि पहले कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन 18 से 60 साल के ऊपर के लोग को भी दिया जा रहा था, और अभी फिर से प्रिकॉशनरी डोज भी दिया जा रहा है। लेकिन आज से यहाँ पे कॉर्बेवैक्स जो है कोविड वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों के लिए शुरू हुआ है। ये कॉर्बेवैक्स वैक्सीन जो है ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ये इंट्रामस्कुलर हम लोग देते हैं छोटे बच्चों को, 12 से 18 साल के बच्चों को, और इसमें दो डोज है, मतलब 28 दिन के अंतराल पे फिर दूसरा डोज हम इसमें देंगे, और ये इंट्रामस्कुलर हम देते हैं। ये आज से हमारे एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत शुरुआत हुआ है, और अभी काफी बच्चे आ चुके हैं, और हमारे पीएसएम विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर रविंदर प्रसाद एचओडी सर, उनके नेतृत्व में ये चलाया जा रहा है। और यहाँ पे कोवैक्सीन कोविशील्ड के साथ साथ कॉर्बेवैक्स जो बच्चों के लिए 12 से 18 साल वो भी शुरुआत हो चुका है आज से, और अच्छी तरह इसका देख रेख मतलब कि एचओडी के सर के अंतर्गत देख रेख में बहुत अच्छी तरह से ये शुरुआत हो चुका है, और इसका इसे आप आके यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने मात्रा में, कितने ज्यादा मात्रा में बच्चे यहाँ उपलब्ध हैं। अभी सेकेंड डोज कब पड़ेगा? ये 28 दिन के बाद पड़ेगा, जैसे जो बच्चे आज ले लेंगे फर्स्ट डोज, फिर 28 दिन के बाद दूसरा डोज लेंगे। अच्छा, अभी जो और लोगों को जो चल रहा है 18 से ऊपर 60 वर्ष जी जी, तो उन लोगों को भी पड़ता रहेगा अभी इस बीच में कि उनका अभी भी नहीं, उनका भी पड़ता रहेगा। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।